स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीटा फंक्शन का। आपको सिलेबस में दिया है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में। अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए स्टूडेंट, बीटा फंक्शन को लिखते हैं बीटा एम एन, फार्मूला होता है 0 से 1 एक्स पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। और इस कंडीशन में दोनों जो है एम ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शन पावर एम और एन पे, ये फार्मूला होता है 0 से 1 लिमिट एक्स पे पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स पे पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये ऑलरेडी फंक्शन में ये इस फॉर्म में, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन का, उसमें कहेगा यूजिंग बीटा फंक्शन, तो उस क्वेश्चन को स्टूडेंट इस फॉर्म में लाना है एक्स पर पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पर पावर एन माइनस 1 डी एक्स के रूप में, जहां एम और एन दोनों का वैल्यू स्टूडेंट्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। एक फार्मूला और लिखिएगा स्टूडेंट्स इसमें साइन के फॉर्म में, बीटा एम एन है तो साइन के फॉर्म में होता है 0 से π/2, कैलकुलेट करके आंसर आया है साइन पे पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स इस वाले चीज़ को, ये अलग 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 चीज़ है, ठीक है। ये मेन फार्मूला है, ये साइन के फॉर्म में इसका ये फार्मूला होता है 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 और आगे ये 2 मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एरियल्स इंट्रीगल इंट्रीगल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। एरियल्स फार्मूला का यह पहला इंट्रीगल है, फर्स्ट काइंड है बीटा फंक्शन, याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है, ये क्वेश्चन दे देगा आपको सिर्फ ऐसा ही कि 0 से π/2 2 साइन पे पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस पावर 2m-1 थीटा डी थीटा। लगभग 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स विदाउट सॉल्यूशन का होता है, लगभग 5 क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन का होता है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे पूछ देगा कि एरियल इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड का फार्मूला क्या होगा, तो 4 ऑप्शन रहेगा इस रूप में, कुछ ना कुछ इससे मिस कर देगा 3 ऑप्शन में। तो आपको याद रखना यह फार्मूला 0 से π/2 साइन पे पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। इसको कहते हैं इंटीग्रल फार्मूला का फर्स्ट काइंड, किसका, एरियल फार्मूला का, समझ गए। और गामा फंक्शन का जो इक्वेशन बनेगा उसको कहते हैं सेकेंड काइंड। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, एरियल इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड, और गामा फंक्शन होता है सेकेंड काइंड, याद रखोगे ना, लिख लीजिए। बीटा फंक्शन जो है स्टूडेंट्स ये होता है फर्स्ट काइंड, और गामा जो फंक्शन होगा, गामा फंक्शन का ये फार्मूला जो बनेगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा स्टूडेंट्स सेकेंड काइंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, जो स्टूडेंट आएगा ना ज़्यादा करके गामा फंक्शन से, बीटा फंक्शन में बस वही पूछता है कि बीटा क्या है, एरियल फार्मूला का फर्स्ट इंटीग्रल है, और गामा फंक्शन क्या है, सेकेंड इंटीग्रल है। तो बीटा फंक्शन में बस उतना ही पूछता है, उसको याद रखना है, और एक इक्वेशन बीटा फंक्शन का जो है ना वो याद रखना, बस और कुछ नहीं। लेकिन गामा फंक्शन में बहुत सारा कुछ रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। गामा फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर यही से क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। इसको अगर छोड़ दिया गामा फंक्शन को, तो फिर आपका खत्म है, खेल खत्म है। 3 क्वेश्चन गारंटी के साथ स्टूडेंट गामा फंक्शन से रहेगा इस बार, देख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, इस तरह से घेर दो। आपको स्टूडेंट फैक्टोरियल नोटेशन पढ़े होंगे, फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल को ऐसे लिखते थे अथवा इस तरह से लिखते थे ना,
ये फैक्टोरियल नोटेशन का सिंबल, या फिर इस तरह से घेर देते थे। लेकिन जब इसको इसी को उल्टा कर दोगे, इसको ऐसे कर दोगे, ये बन जाएगा गामा। तो स्टूडेंट फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड होता है गामा फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। वीडियो को अगर छोड़ के जाओगे तो तीन क्वेश्चन से हाथ धो लो। एन बराबर होता है स्टूडेंट्स जीरो से इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस, गलत नहीं लिखूंगा मैं, देख लेता हूँ फार्मूला, ई पे पावर स्टूडेंट्स माइनस एक्स इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, कुछ नहीं है इसमें, और एन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और इसको कहते हैं दिस फार्मूला इज कॉल्ड एलियस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ना? ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका देखिए स्टूडेंट वैल्यू क्या होता है, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ गामा फंक्शन, यहाँ से शुरू होता है आपका टांडव, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए फार्मूला, n का गामा फंक्शन बराबर होता है n प्लस वन का गामा फंक्शन बटे n। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, n n का गामा फंक्शन बराबर n प्लस वन का गामा फंक्शन। ये फार्मूला आप जब तक बचोगे याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। 25 जुलाई का ये काम आएगा, ठीक। इसका यूज करेंगे, अभी रुक, थोड़ा देर रुक जाओ, ट्रिक बताता हूँ आप। एक नंबर, गामा फंक्शन वन का जितना का गामा फंक्शन कहूँगा ना, उसमें से एक घटा के उसका फैक्टोरियल निकाल दो। जैसे कि वन का गामा फंक्शन क्या होगा, वन में से वन को माइनस करके उसका फैक्टोरियल निकालो। तो वन माइनस वन जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल होता है वन। दो नंबर लीजिए, दो का गामा फंक्शन, तो स्टूडेंट दो में से एक माइनस कर दो उसका फैक्टोरियल, तो वन का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल भी वन ही होगा। मतलब वन का गामा फंक्शन भी वन, दो का भी गामा फंक्शन वन। अब स्टूडेंट थ्री का देखिए, तीन का, तो तीन में से एक घटा दो उसका फैक्टोरियल, तो दो का फैक्टोरियल, तो दो गुना एक यानी दो। चार का स्टूडेंट निकालो, तो चार में से स्टूडेंट्स एक माइनस करके इसका फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, तीन का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा छः, क्योंकि तीन गुना दो गुना एक, तो हो जाएगा इसका आंसर छः। अच्छा, पाँच का स्टूडेंट निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चार का फैक्टोरियल, क्योंकि इससे एक कम का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा चार गुना तीन गुना दो गुना एक, तो चार तीय बारह दूना चौबीस। छः का निकालना स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, पाँच का फैक्टोरियल, तो चौबीस पच्चीस एक सौ बीस। स्टूडेंट अगर सात का निकालना है तो सात से गुना करना है एक तक, सॉरी सात है ना, तो छः का फैक्टोरियल एक कम, तो छः गुना पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर। तो अगर कोई नंबर रहे एक से लेके एक सौ तक, ये नेचुरल नंबर के लिए स्टूडेंट अप्लाई होता है, सब है पॉजिटिव नंबर के लिए। जितना भी पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो स्टूडेंट उसका अगर आप, या फिर यह कह सकते हो सारे पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन को छोड़ के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब जितना भी नंबर होता है अगर उसका आप गामा फंक्शन निकालते हो, उससे एक कम करके उसका फैक्टोरियल निकाल दो, तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपको यहाँ से रहेगा, नोट कर लीजिए। यह फार्मूला से अभी बताऊँगा, जस्ट हमने इस फार्मूला का यूज इसमें अभी नहीं किया है, इसमें डायरेक्ट आपको बताया है ट्रिक कि जिसका गामा फंक्शन फाइंड करना है उससे एक कम करके उसका फैक्टोरियल फाइंड कर लो, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है, एक दो तीन चार पाँच छः है, इसका कहता है स्टूडेंट गामा फंक्शन। अभी तो आपको हमने नेचुरल नंबर का बतलाया गामा फंक्शन कैसे निकालता है, अब स्टूडेंट्स आपको हम एक से लेके छः तक का, एक चीज़ याद रखना, एक बटा दो का गामा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स रूट में पाए, ठीक है, यही होता है ना, हाँ रूट में पाए, एक बटे दो का गामा फंक्शन होता है रूट पाए, कैसे होता है वो बाद में सीखना, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना, ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन पे निकालेंगे स्टूडेंट्स,
या फिर आप इस फार्मूला पे इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, दो से सॉल्व करते हैं, गामा फंक्शन 3/2 का। इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, ये 3/2 में से एक घटाओ, 3/2 में से एक माइनस करो तो कितना आएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 तक ही आना है, जितना भी नंबर है ना माइनस करके लास्ट में 1/2 ही तक जाना है, और लास्ट में ये लिखाएगा 1/2 का गामा फंक्शन, ठीक है। ये 3/2 में से 1/1 घटाओ, 3/2 में से एक घटाओ तो कितना होगा, 1/2, तो 1/2 लिख दिए, और फिर इसी का गामा फंक्शन लिखेंगे तो 1/2, और 1/2 का गामा फंक्शन अभी क्या सीखे थे कि रूट पाए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट पाए बटे 2 आंसर, टिक मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में क्या है, 5/2, तो 5/2 को क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस 1 तो हो जाएगा 3/2, 3/2 आगे भी माइनस, 1/2 तक जाना है, ठीक है, फिर आगे माइनस करिए, इस 3/2 में से एक घटाओ, पहले एक घटाए 5/3 में से एक घटाए 3/2, फिर 3/2 में से एक घटाओ तो हो जाएगा 1/2, 1/2 आ जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ना है, लास्ट में इसी का गामा फंक्शन लिख दो, ये क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू रूट पाए बटे 2, ये हो जाएगा 3√π/8। और भी लिखेंगे ना सीख जाओगे, देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ 7/2 है, तो 7/2 में से एक घटाओ तो कितना हो जाएगा, 5/2, फिर इसमें से एक घटाओ तो 3/2, फिर इसमें से एक घटाओ तो 1/2, आगे नहीं बढ़ना है, इसका गामा फंक्शन 1/2 का है। तो लास्ट में सारे नंबर का, जब भी सबका नीचे में 2 रहे तो उसको लास्ट में सब में आएगा 1/2 इंटू उसका गामा फंक्शन, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 2 × 2 = 4 × 8 न, और इसका क्या हो जाएगा, रूट पाए आंसर। 5 नंबर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 11/2, इसमें से एक घटाओ तो 9/2, फिर एक घटाओ तो 7/2, फिर एक घटाओ तो 5/2, फिर एक घटाओ 3/2, फिर एक घटाओ तो 1/2, फिर आप आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो निगेटिव में नंबर आ जाएगा, निगेटिव में भी इसमें नहीं जाना है। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 5 × 15 = 105 और गुना 9 क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 45 फिर 9 / 2 × 2 = 4 × 8 = 9 = 32 गुना सही है ना, 5 × 15 = 105 × 9 = 45 ठीक है, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट पाए कंप्लीट। देखो 6 नंबर में क्या है, गामा फंक्शन 9/2, इसका देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको एक घटाओ तो 7/2, 9/2 से स्टार्ट नहीं करना, एक घटा के आगे बढ़ना, तो 7/2 एक और घटाओ स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 5/2, 3/2, 1/2, फिर हो जाएगा गामा फंक्शन 1/2, तो 5 × 15 = 105 बटे में 2 × 2 = 4 × 8 = 16 यहाँ पे रूट पाए, यही आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान है स्टूडेंट्स, पहले आपको हमने नेचुरल नंबर का बतलाया, फिर स्टूडेंट फ्रैक्शन नंबर जिसमें सारे नंबर में देखो नीचे में 2 है, क्योंकि इसका वैल्यू पता है, गामा फंक्शन 1/2 का क्या होता है, रूट पाए, इसीलिए स्टूडेंट जब इस सब को हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में गामा फंक्शन 1/2 आएगा, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब निगेटिव नंबर का सीखेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट आपके सामने हमने निगेटिव नंबर लाया, उसका गामा फंक्शन कहता है निकालने के लिए, गामा फंक्शन -1/2, -3/2, -5/2, -9/2, -7/2, -11/2, सबके नीचे में 2 है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, गामा फंक्शन n बराबर क्या होता है, गामा फंक्शन n+1/n, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो n गामा n बराबर गामा n+1 होता है, तो लिखेंगे चूँकि पहला 1 नंबर क्वेश्चन का n गामा n बराबर
गामा एन प्लस वन, पुट कर देंगे स्टूडेंट्स एन बराबर एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, क्योंकि माइनस कब पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ माइनस वहाँ पे माइनस एक बटा दो पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो प्लस एक जो था इसमें पुट कर दिए, क्या हो जाएगा माइनस एक बटा दो, माइनस एक बटा दो बराबर, इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, गामा फंक्शन एक बटा दो। अच्छा इसका वैल्यू तो आप जानते हो क्या होता है, रूट में स्टूडेंट्स पाई होता है, इसीलिए गामा फंक्शन माइनस एक बटा दो बराबर ये दो उधर चल जाएगा, निगेटिव भी चल जाएगा, तो निगेटिव टू रूट पाई आंसर। देखिए इसी का ना पूछा था तो क्या आया, माइनस टू रूट पाई, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स कितना मज़ा आया। चलिए दो नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, तो फिर इसी में रखिए, पुट एन बराबर माइनस तीन बटा दो, जिसका पूछेगा वही पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करिए स्टूडेंट फार्मूला में, तो माइनस तीन बटा दो गामा फंक्शन माइनस तीन बटा दो, गामा फंक्शन माइनस तीन बटा दो प्लस एक, ये हो जाएगा गामा फंक्शन, इसको आप जोड़ोगे तो माइनस एक बटा दो आ जाएगा ना, तो आप देखिए माइनस एक बटा दो का याद रखना है कितना आता है, माइनस टू रूट एलेवन, एलेवन नहीं है पाए है पाए। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस और माइनस कट के प्लस हो जाएगा, यानी गामा फंक्शन माइनस थ्री बटा टू का हो जाएगा, दो चला जाएगा ऊपर, तो दो दोनों चार रूट में पाए बटे में थ्री, ये आपका आंसर, किसका ये आंसर है, गामा फंक्शन माइनस थ्री बटे टू का, ठीक है नोट कर लीजिए। अच्छा चार नंबर का देखिए स्टूडेंट्स क्या है, गामा फंक्शन इसका निकालना है माइनस पाँच बटा दो को, तो पुट कर देंगे स्टूडेंट कितना, एन बराबर माइनस पाँच बटा दो का, थोड़ा फास्ट सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस पाँच बटा दो, गामा फंक्शन माइनस पाँच बटा दो बराबर, और गामा फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे माइनस पाँच बटा दो और प्लस एक, तो बचेगा क्या, माइनस तीन बटा दो नहीं बचेगा, माइनस पाँच बटा दो में एक जोड़ दो तो माइनस तीन बटा दो बचेगा, तो आप यहाँ से देखिए गामा फंक्शन माइनस पाँच बटा दो बराबर, ये माइनस तीन बटा दो का देखो वैल्यू क्या आया है, फोर बटा थ्री, फोर बटा थ्री रूट में पाए इंटू, ये जाएगा उधर, ये हो जाएगा दो बटा पाँच, लेकिन यहाँ पे माइनस क्योंकि ये प्लस है, ये जाकर उधर जाएगा माइनस क्योंकि माइनस ये था, तो ये बन जाएगा बाबू कितना, माइनस एट रूट पाए बटे पंद्रह आंसर, कितना आसान है। चलिए इसमें से एक बता देते हैं, ठीक है किसका, नाइन का फोर, अरे भाई एक नंबर किसका निकाले थे, ठीक दो नंबर इसका निकाले थे, ये तीन नंबर होगा, चार नहीं तीन, अब चार नंबर देखिए क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, एन बराबर माइनस नाइन बटा टू, क्योंकि माइनस नौ बटा दो है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस नाइन बटा टू गामा फंक्शन माइनस नाइन बटा टू बराबर, अब माइनस नाइन बाई टू में एक जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स, माइनस नाइन बाई टू में एक जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा गामा फंक्शन माइनस सेवन बटा टू, आपको माइनस सेवन बटा टू का तो वैल्यू पता होना चाहिए, वो तो पता ही नहीं है, तो आपको सेवन बटे टू का निकालना होगा अब ना, तो निकाल लेंगे माइनस सेवन बटे टू का, तो माइनस सेवन बटे टू उधर जाएगा तो टू बटे सेवन, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस सेवन बटे टू और प्लस एक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू बटा सेवन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस फाइव बटा टू ना, तो माइनस फाइव बाई टू का कितना आया था, माइनस फाइव बाई टू का आया है ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू बटा सेवन अगुना, अब माइनस माइनस प्लस कर दो, यानी एट बटा फिफ्टीन रूट में एलेवन, तो ये कितना हो जाएगा, आठ दूनी सोलह बटे पंद्रह सत एक सौ पाँच रूट में पाए, एलेवन नहीं पाए, बार बार मैं एलेवन बोल देता हूँ, देखिए दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है कि ठीक है दिख रहा है, तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट किसका, माइनस नाइन बाई टू का, सॉरी 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 सॉरी,
एक मिनट, -7/2 का आया है 16/105 रूट पाए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद स्टूडेंट्स ये जब पुट करेंगे, एक मिनट, ये आया है 16/105 रूट पाए। अब देखिए -9/2 उधर जाएगा, कैलकुलेट होगा तो 2 ऊपर 9 नीचे आएगा, तब फिर गुना हो जाएगा, यानी -16/32 रूट पाए बटे 105 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको हमने सिखाने का प्रयास किया कि जब नेगेटिव का वैल्यू निकालना हो तो इसी फार्मूला पे इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स नीचे में इस प्रकार से नहीं हो, किस प्रकार के नीचे में 2 नहीं रहे, 4 रहे, 5 रहे, तब कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखिए एक फार्मूला इसको याद रखना है, जब नीचे में 2 नहीं रहे, 2 रहे तो भी बनेगा, नहीं रहे तो भी बनेगा। अब देखिए 2 नंबर रहेगा आपस में इस तरह से, n n का गामा फंक्शन इंटू 1 - n बराबर होता है पाई बटे साइन, एंगल में n पाई। जैसे कि स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन कहता है इसका 1/4 फिर 3/4 इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो ये किस रूप में है स्टूडेंट, अगर इसको हम n मान लेते हैं तो ये क्या है 1 - n के रूप में, कहोगे कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1/4 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 - 3/4 सॉरी 1/4 नहीं लिख सकते हैं, 1/4 तो है ही है, 3/4 को लिख सकते हैं गामा फंक्शन 1 - 1/4 क्योंकि इसका कैलकुलेशन 3/4 हो जाएगा। ये किस रूप में है देखो तो n इंटू 1 - n, ये n है x नहीं है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा पाए बाय साइन, ये n का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n के जगह रखेंगे 1/4 इंटू पाए, ये क्या हो जाएगा पाए बटे साइन पाए बटा 4 पाई बाय 4 का मतलब साइन 45 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं पाई बटे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और रूट टू ऊपर चल जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा √2 इंटू पाए, आंसर देख लिए इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, पाँच बटे 7 और 1/7 अपना मान से ले रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तय कर दें, ठीक है, अरे तो एक काम करो ना 3 ले लेते हैं, ठीक है ये 3 ले लेते हैं, ये 2 आइए 1/3 कहते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो ये किस रूप में है, ये रूप में है स्टूडेंट्स 1 - 1/3 इंटू 1/3, बस उल्टा कर दिया। तो देख लो ये n है, ये 1 - n है क्योंकि इसका कैलकुलेशन यही आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे पाई बटे साइन n पाई, n के जगह क्या पुट होगा 1/3 यानी पाई बटे 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या है साइन 60 डिग्री 36 18, हाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, 2 चल जाएगा ऊपर 2π/√3 आपका आंसर। तो हमने आपको बहुत सारे तरीके बताए, नेचुरल नंबर का निकालना है तो उससे 1 कम करके फैक्टोरियल कर दो, पॉजिटिव नंबर फ्रैक्शन का निकालना है तो 1 कम करके स्टूडेंट मल्टीप्लाई 1/2 तक ले चलो, निगेटिव का करना है तो फार्मूला बताया था n γ(n)-1 करके इस पर सॉल्व करो, जब स्टूडेंट उसमें 1/2 नहीं आए, कुछ इस रूप में आए 1/4, 3/4 या फिर इस रूप में, तो इसका सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट इस फार्मूला पे बतलाया ना। एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है बीटा फंक्शन में, ये तो गामा फंक्शन समझ गए, बीटा फंक्शन में फार्मूला याद रखना है
और दूसरा एक चीज़ और याद रखना है कि बीटा फंक्शन में स्टूडेंट बीटा 9/2 और मानो 7/2 का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए स्टूडेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। वहाँ पे हमें साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए, एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन फिक्स है।